मम्मी कैमरे में घुसेगी, यो तो भाई मेरा कोई कैमरा पकड़ गया। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और हम तो अच्छे अच्छे रहते हैं और ये गंदे गंदे हैं, तिरछे पंखे वाले लोग बाग। और अब तक नाश्ता नहीं दिया मुझे गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है बिल्कुल। ये लेडीज हिल्ला करना नहीं चाहती बिल्कुल भी काम। गुड मॉर्निंग गाइस, आपने नाश्ता नहीं करा? सुबह एक कटोरी तो आपने उपमा खा लिया चाय के साथ में। झूठ बोल रही है गाइस, बिल्कुल झूठ, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है। मुझे रोटी खानी है नमक की। नमक की रोटी गाइस, नमक की रोटी खाने क्या गलत है बताना जरा कमेंट्स में। करेले से तो वैसे भी वो टेस्ट आ जाता है तो बहुत काम नहीं करना चाहती गाइस। करेले तो मैंने बनाए थे तो ये बिल्कुल हिलना नहीं करना चाहती तो इसका बिल्कुल समय खराब चल रहा है। तो मैं सोच रहा भेज तो कहता हूँ, घर चले जाती ही नहीं है, मेरा नाक मुँह दले जा छत्ती बनू धूम धूम। तो भाई इसे भेजो जरा यहाँ से, जो लेके जाएगा एक रुपये फ्री। ठीक है गाइस, अब मैं नाश्ता कर लेता हूँ, दे देगी तो उसके बाद मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय। सो हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं गांव के देहात के रास्ते पे, नहर पे दिखाता हूँ आपको। ये हमारी सरदना की नहर और हम आए हैं इस समय, जा रहे हैं हम शामली। और तो आपको हम नहर दिखाते हैं अपने गंग नहर है हमारी। ये गंग नहर है, बहुत प्यारे है, भी प्यारा व्यू है यहाँ का बहुत। यहाँ पे पब्लिक बहुत नहाती है गर्मियों में, बहुत गोते मारती है। और देखो ये हाईवे बना है अपना शामली का, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा। तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, पहले सिंगल रोड थी गाइस तो बहुत समय लगता था यहाँ पे जाने में, तो अब कोई समय नहीं लगता, अब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलता है। बस हवा निकल गई। सो हेलो गाइस, अब मैं चल रहा हूँ, डिवाइडर ख़त्म हो गया है यहाँ पे। और आपका अब सिंगल ही मानो इस रोड को, सिंगल तो नहीं है डबल ही है, और डिवाइडर गायब हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज मैं बीच में जरा कुछ दिक्कत सी होगी तो मैंने बंद कर दिया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ जरा। देखो बसावट ही बिल्कुल बसावट सड़क पे ही है, कोई ट्रक वगैरह का अगर बाई चांस पी के चलते हैं ट्रक वाले, अगर कोई गलती से घर में घुस जाए तो क्या होगा, मैं भी दिखाता हूँ। चल रहा है यहाँ पे देखना गाइज, बिल्कुल सड़क पे ही बैठे हैं सब, शौचालय वोचालय सब यही है सड़क पे, बिल्कुल कोई डिवाइडर नहीं है बीच में, कोई सपोर्ट नहीं है, ग्रिल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो गाइज समझ से भर बात है, देहात का एरिया, कोई बच्चा बच्चा सड़क घर से निकल के आ जाए, चोट चाट लग जाए किसी के तो क्या होगा, बिल्कुल सड़क पे ही बैठे हुए हैं, बताओ हद होगी बिल्कुल गाइज। देखना गाइज ये बच्चे हैं सामने स्कूल के, एक सड़क पार करेंगे, कोई कोई गाड़ी गलती से आ रही हो ना ध्यान जाए बगलें तो क्या होगा, तो हद हो गई गाइज बिल्कुल। चलो फिर गाइज घर पहुंच के आपको हम पहुंचने वाले होंगे, तो आपसे फिर दोबारा नहर दिखाएंगे जाते समय। हम वापसी हो चुके हैं और पहुंच के आपसे मिलते हैं नहर के वक्त, और फिर घर मिलेंगे घर पे, और घर पे दिखाते हैं आज समित स्कूल गया था क्या किया उसने क्या नहीं किया, फिर आपको उससे मिलवाते हैं। ठीक है गाइज, ओके बाय। सो गाइज तो फिर आपका हम चलते हैं। देखो आप टिकैत के जो लोग जाए दिन की, आज बहुत ट्रैक्टर जा रहे हैं, जब से 500 ट्रैक्टर देख लिए होंगे मैंने। तो गाइज आज हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का कितना अच्छा व्यू बन चुका है। ये गांव में देखो देहात है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये गांव देहात है आपका, ये बिल्कुल हाईवे पे बसा हुआ है, बताओ गाइज बिल्कुल हाईवे पे, क्या तुक की बात है, समझ से भर बात है। कोई कोई कट कहीं भी है गाइज, देख के चलना, कोई कहीं से भी निकल सकता है। और देखो फ्लाईओवर भी बन चुके हैं, काफ़ी फ्लाईओवर है यहाँ पे, और अच्छे अच्छे में डिवाइडर तो बना दिए, मगर ये कट गलत है गाँव की वजह से, कोई नीचे को निकालना चाहिए इनको, पुल की हाईवे पे ना चलना है तो अच्छा ही है। देख लगा इस कितना प्यारा व्यू आ रहा है, कितना सुंदर। अब देखो गाइस उतरते हुए नीचे, क्या मस्त लग रहा है ये, देख लगा गाइस, बताना कमेंट्स में जरूर आपको कैसा लगा ये हाईवे। सामने हाईवे है यहाँ पे करनाल, आपका स्पीड लिमिट है आपकी आपकी 80 की, ज्यादा नहीं है। ये यहाँ पे कॉलेज है बहुत बड़ा, ये इसकी बसें खड़ी हैं यहाँ पे। तो गाइस अब हम चलते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं, एक बाघ भी आ रहा है, प्यार सा बाघ दिखाते हैं पहले आपको हम। ठीक है गाइस, जरा रुकना एक बार,
देखो गाइज बाग आ चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको कितना सुंदर बाग है, कितना प्यारा। देखो ये रोड है आपकी, ये आपका रास्ते है, देखो बाग है यहाँ पे काफी बड़े हैं, आम ही आम बिकते हैं दोनों साइड में। ये बाग है, इधर भी बाग है गाइस आपका, इधर भी आम बिकते हैं और आपका गाइस इधर भी आम बिकते हैं, काफी बड़ा बाग है। आगे टोल प्लाजा लग गया है, अभी चालू नहीं हुआ है गाइस, तो चालू हो जाएगा, देखो कितना टोल लगता है यहाँ पे गाइस। तो अभी सामने रोड पे चालू तो होने टोल, मैं आपको टोल भी दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा कितना, मगर तिरछा बनाया है गाइस, को समझ से बाहर बात है किस हिसाब से बनाया है, देखना गाइस अब कैसा लग रहा है टोल, कितने स्टाइल में तिरछा टोल बनाया है, समझ से बाहर बात है थोड़ा तिरछा है, और देखना कितना प्यारा है, कितना छोटा है, नाम टोल है, दिखाते हैं अभी आपको। देखो गाइस टोल आ चुका, और ये आपका टोल है, देखना क्या तिरछे बनने में टोल है आपका, ये टोल जरूर लगते हैं हाईवे बनते टोल जरूर लग जाते हैं, और देखना गाइस कैसे तिरछे बनने में टोल ही है, इस तरीके से गाइस टोल तिरछे बनने में हल्का सा, देखना गाइस ब्रेकर और बना दिए उतरी। तो गाइस देखो बताना कमेंट्स में आपको टोल कैसा लगा ये, और हाईवे पे है आपके शामली पे, शामली से पहले है काफी, तो गाइस कमेंट्स में जरूर जरूर बताना आपको हाईवे कैसा लगा, टोल कैसा लगा, और आशा करते हैं आपको आगे भी दिखाते हैं क्या मिलता है। गाइस एक गाड़ी पड़ी है क्रेटा से, सब सामान चोरी हो, इसका सब सामान चोरी हो गया गाड़ी का, लोग बाग सामान चोरी करके ले गए, कोई इसका स्टेपनी, कोई पहिया, कोई आपका अंदर का स्टीरियो, आपका सीट वीट सब गायब कर दिया, नई गाड़ी दी है पता नहीं यही पड़ी हुई है 5-6 महीने से हाईवे पे, समस्या भर बात है पता नहीं किसकी गाड़ी है, क्या थी कैसे नहीं, पुलिस वाले ने कुछ नहीं देखा। तो गाइस फिर आके हमें आपको दिखाते हैं कहाँ पे क्या है, फिर उसके बाद आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, और आपको एक फ्लेवर और आ चुका और दिखाते हैं, तो एक फ्लेवर और आ गया, कितना प्यारा है गाइस, बिल्कुल गांव बचाने के लिए सरकार ने फ्लेवर ऊपर उतरवा दिया, नीचे बस्ती वगैरह है गाँव है। सो गाइस आपको एक प्यारा सा व्यू दिखाते हैं, बहुत कितना सुंदर, देखना कितना प्यारा मोड है, और ये आपकी यहाँ पे काली नदी है, देखना कितना जल चढ़ा हुआ है इसमें गाइस, मैं भी दिखाता हूँ गाइस आपको कितना जल चढ़ा हुआ है इसमें, देखना गाइस कितना जल चढ़ा हुआ है इसके अंदर, ये आपका बहुत ज़्यादा जल चढ़ा हुआ है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे सारे पानी आ गया था, सब जगह भर गया था, इतना पानी था यहाँ पे, अब उस समय आए नहीं मैं था, यहाँ पे बहुत पानी पानी था चारों तरफ, जहाँ पे भैंसें घूम रही है ना आपकी, भैंस जो घूम रही है, भैंस है गाय है इसमें जो चल रही है चारा, तो यहाँ पे इतना पानी था बहुत ज़्यादा, यहाँ भी पानी चढ़ा हुआ था काफ़ी, और देखना गाइस कितना प्यारा व्यू है सुंदर, तो गाइस बड़ा प्यारा लगा, कमेंट्स में जरूर बताना गाइस कितना सुंदर व्यू लगा आपको, कितना प्यारा और कितना मस्त व्यू है गाइस, तो गाइस बताना जरूर आप कमेंट्स में कि आपको कितना सुंदर लगा है और कितना प्यारा लगा, और आपके आगे फिर दिखाएंगे क्या आता है। गाइस मुझे तो बहुत सुंदर लगा, देखो गाइस वहाँ भी देखो पानी कितना भरा हुआ है अभी खेतों में, बहुत पानी है अभी गाइस, तो ठीक है गाइस अभी और दिखाते हैं आपको फिर जंगल का यहाँ का व्यू आपको, इस करनाल रोड पे हाईवे पे सामने वाले पे क्या क्या है, और आगे तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी थोड़ी देर में, क्या करते हैं फिर देखते हैं। सो गाइस हम लोग गोरखपुर आ चुके हैं एंड और हम आपको अपना रूम दिखाते हैं, अरे क्या हो रहा है, हमारा मेन है अभी हम अंदर जा रहे हैं, ये हमारा रूम है गाइस और ये हमारे प्लेयर्स हैं, अब हम आपको एक एक करके सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये पूर्वी है, ये अनुष्का है, ये सब खाना खाने में लग रहे हैं, ये हमारी मैम है, ये हमारी बड़ी दीदी है, और ये नंदनी है, और वो बालियान है, वो अपनी बालियान है, वो कोई नहीं है गाइस। ओके सो गाइस अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, एंड मैं भी इसके साथ पूर्वी कह रही मेरे को फेमस करा दो झूठी। अभी हम आपको ना ऐसा रूम का मतलब हमारे यहाँ का सामने का व्यू दिखाते हैं, ये हमारे सामने का यहाँ का व्यू है, व्यू घंटा व्यू है। भाई यहाँ से चमक नहीं रहा भाई।
क्या चल रहा है? पूर्वी मदद करवाएंगे जाके ये बालियान अपनी पावर दिखा यार। सो गाइस हमारे यहाँ पे लाइट जा चुकी है और ये देखो ऐसे कैमरा करके बता रहे यहाँ पे हम मस्ती कर रहे हैं और हम किसी को डराने चल रहे हैं। चलिए चलिए कौन है तू? ये क्या कर रही है आंटी? देख रहा ओ दीदी दीदी ओ दीदी ओ दीदी इतना कुटाई हो रही है एक दूसरे की। इतना इतना सहन नहीं करती दीदी मैं। ओ ओ हरदा भाई तू समझा रही हूँ, सिस्टम पाड़ दू इतना पाड़ दू। गजब बेइज्जती है। भगवान ओके कैमरे में घुस जाएगी। यो तो भाई मेरा कोई कैमरा पड़ गया। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद?